हेलो दोस्तों, स्टॉक इनसाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफ अ कंपनी। तो किसी भी कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं, उसको हम लोग कैसे खोजते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, या फिर उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान है और कोई भी आप किसी भी कंपनी के बारे में उसके कुल शेयर्स को पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स किसी भी कंपनी के कैसे निकाला जाता है या फिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी के कुल शेयर्स टोटल ऑफ नंबर्स कैसे पता करें? तो ये, अगर आप किसको किसी भी कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर निकालना है, तो आपको उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको उस कंपनी का मार्केट कैप आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, जो कंपनी का मार्केट कैप है, उससे आपको कंपनी का जो शेयर प्राइस है, उससे आप उसका भाग दे सकते हैं, जिससे आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएगा। जैसे कि हम लोग उदाहरण से समझते हैं, यहाँ पे जैसे इसका फार्मूला देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ शेयर इज़ इक्वल टू मार्केट कैप डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस। मतलब कि आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर पता लगाने के लिए जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उससे शेयर प्राइस, जो करेंट में जो कंपनी जो स्टॉक का प्राइस है, उससे आपको भाग देना होगा कंपनी के मार्केट कैप का। मतलब कि यहाँ पे और मैं इजी कर देता हूँ कि कंपनी का जो भी शेयर जो चल रहा है शेयर प्राइस, और कंपनी का जो मार्केट कैप है, ये तो आपको जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो जो मार्केट कैप है, कैपिटलाइजेशन है, उससे आपसे आपको जो शेयर प्राइस है, उससे आपको भाग दे देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का जो टोटल अपना शेयर्स कितने हैं। यहाँ पे एक उदाहरण के लिए हम समझते हैं, ट्राइडेंट ग्रुप का हम लोग लेते हैं, ट्राइडेंट का। तो यहाँ पे जैसे टोटल नंबर ऑफ शेयर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है, वो है 18,728 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। एंड कंपनी का जो करेंट प्राइस है, वो देखेंगे तो 36.08 रुपये कंपनी का जो करेंट प्राइस है। तो इसको जैसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमको निकल के आ जाता है लगभग 5 करोड़ 10 लाख या 5 करोड़ 8 लाख के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं। अब दोस्तों, मैं आपको स्क्रीनर में दिखा देता हूँ, जैसा कि मैंने कैलकुलेट किया था। यहाँ पे जैसे देखेंगे, कंपनी का मार्केट कैप 18,728 रुपये, और यहाँ पे मैंने लिखा था 18,728 रुपये। उसके बाद जैसे देखेंगे, कंपनी का जो करेंट प्राइस है 36.08 रुपये, तो मैंने भी 36.08 रुपये यहाँ पे रखा था। एंड यहाँ पे जैसे देखेंगे, कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर निकल के आया है, वो है 510 करोड़, और यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है लगभग 508 करोड़। एंड उसके बाद फिर और है 91, मतलब लगभग 509 करोड़ के आसपास का यहाँ पे लगभग एवरेज वो आ गया है। तो इस हिसाब से दोस्तों, आप किसी भी कंपनी का टोटल अपना जो शेयर्स होते हैं, उसको आप निकाल सकते हैं, ताकि और आगे जो भी कुछ रेशियोज़ होते हैं, उस रेशियो को आपको निकालने में ईजी हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी बेसिक जानकारी होती है, वो मैं आपके लिए लगातार लाता रहूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।